रहा है, कभी आपके क्षेत्र में आया, कभी आया जोर से बोल के आवाज नहीं आ रही है मुझे, आया आपका विधायक कभी कोई काम में आया उसने आपके क्षेत्र में, तो ऐसे विधायक को बनाने का क्या फायदा? आप ऐसा विधायक बनाइए जो आपके बीच का हो, जिसको आप अपने दुख सुख जाके कह सके, जिसको आप अपनी बात रख सके। आप भारतीय जनता, आपने सबको आजमा लिया, आपने बसपा को भी देख लिया, सपा को भी देख लिया, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि अपनी बार आप भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। अगर आप गाजियाबाद में, सब जानते हैं कि प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है तो अपने क्षेत्र का विधायक भी भारतीय जनता पार्टी का चुने, क्योंकि एक तालमेल ये पुल का काम होता है, पुल का काम करेगा और आपके क्षेत्र में काम भी होंगे। आपकी माताएं बहनों ने कहा था कि हमारी पेंशन तक नहीं बनी है, हमें राशन नहीं मिल रहा है, ऐसी छोटी छोटी परेशानी है जिसके लिए परेशान होना पड़ रहा है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, आपने सबको आजमा लिया, आपकी बार एक महिला को आजमा ली, अगर पार्टी मौका देती है तो आप सब मिलकर, क्योंकि महिलाओं में बहुत ताकत होती है, होती है नहीं होती, तो आपके पास महिलाएं फिर ये जिता देंगी, जिताओगे ना आपकी बार सब मिलके, आपकी बार अपनी बेटी को जिताओ, क्योंकि देखिए मैं अपना वादा कर सकती हूँ, किसी और की गारंटी नहीं ले सकती, आप जैसे हम आज यहाँ बैठे हैं हम भविष्य में भी ऐसे ही बैठेंगे, और नहीं तो हम मैं विधायक नहीं होंगे, नहीं विधायक होंगे आप, क्योंकि आप यहाँ की जनता हो, जनता की जीत होगी यहाँ पे, क्योंकि जनता की आवाज है आपकी बार, कि आपकी बार हमें भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जिताना है, यहाँ से कमल के फूल को जिताना है और अपना विधायक लखनऊ भेजना है, क्योंकि बहुत सारे काम हमारी पार्टी ने ऐसे किए हैं, अगर जिनकी मैं चर्चा करूं, कभी सपने में सोचा था कि राम मंदिर हम बनते हुए देखेंगे, हम सौभाग्यशाली हैं कि हम आज उस इतिहास के पन्नों में लिखे जाएंगे, जब आपने स्वतंत्रता की लड़ाई सुनी होगी, अखबार पढ़ी है ना, पढ़ी आपने सुनी भी होगी और पढ़ी भी होगी कि कैसे हमारा देश आजाद हुआ, और ऐसे ही आज हमारे सामने भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है, तो हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम उसके आज पात्र हैं, तो इसीलिए कश्मीर का मुद्दा सबको मालूम है, 370 वहां से हटाना भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में था, आज 370 वहां से हट गई, तो ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, नरेंद्र मोदी जी थे जिन्होंने ये काम कर दिए, किसी के बस की बात नहीं थी इतने बड़े बड़े काम होने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये काम किया और अपना वादा भी पूरा किया। हम चुनाव की बात कर रहे हैं, 2022 में चुनाव है, ज्यादा समय नहीं है, मात्र सवा महीना रह गया चुनाव में, मेरा भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री योगी आदित्यनाथ जी, श्री योगी आदित्यनाथ जी, श्रीमती लीना सिन्हा जी, श्रीमती लीना सिन्हा जी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चलो मैं भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, श्रीमती लीना सिन्हा जी, श्रीमती लीना सिन्हा जी, रणवीर सिंह निराला जी, हमारे बीच में जो पूर्व में प्रधान रह चुके हैं श्रीमती रिंकी देवी, उनकी माता की, भारतीय शक्ति जिंदाबाद, भारतीय शक्ति जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बेटा अम्मा को बैठाओ, अम्मा को बैठाओ। भारतीय जनता पार्टी।